सुनाने लगी हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महातम का बने, यह 21वां अध्याय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं माँ बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में कार्तिक मास महातम की कथा का 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं कार्तिक मास स्नान दान जप तप कथा श्रवण से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को कार्तिक का महीना बहुत ही प्यारा महीना लगता है। बंधुओं इस महीने में जो मनुष्य भी भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी करते हैं। बंधुओं पर पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ जो करते हैं उन्हें ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दिखावा करने वालों को भगवान कुछ भी प्रदान नहीं करते। सो बंधुओं जो भी करो पूर्ण श्रद्धा से करो, सच्चे भाव से करो, एकाग्रचित होकर करें। देखना किस प्रकार आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले हे देवादि देव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी हे देवेश आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी हम आपकी प्रजा हैं, हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिवजी को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने और सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जीमन नारायण नारायण हरि हरि। 22वें अध्याय की जब सुनाने लगी मैं बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। कार्तिक मास महात्म की कथा का 22वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा हे देव ऋषि कृपया आप अब मुझे बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहां गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, वह मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं, अतएव आप उन्हें समझाइए क्योंकि वह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं,
परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले, उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीन गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दी। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती, गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उस स्त्री रूपवती वनस्पतियों को देखा, वे उठ बैठे, कामासक्त चित से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ में चले। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।